नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपायर नॉलेज। दोस्तों बात करेंगे यूपी शिक्षक भर्ती के बारे में, कम गुणांक वालों के लिए राहत भरी खबर। सिर्फ गुणांक फ्रेंड्स आपका क्या रह सकता है, अब की बार आपको दोस्तों सभी डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। केवल इतने अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। दोस्तों आपके कितने अभ्यर्थियों ने इस बार आवेदन किया है काउंसिलिंग के, फ्रेंड्स आपको प्रूफ के साथ पूरी बात करेंगे। भाई आपको प्रूफ के साथ पूरी बात बताएंगे इस वीडियो में, प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप यूपी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी फ्रेंड्स, आप एकदम सही और रियल जानकारी लेने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, यूपी शिक्षक भर्ती 69,000 पोस्ट, बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले दोस्तों, जितने मेरे भाइयों का इसमें टेस्ट क्लियर हुआ है, जितने भी पास हुए हैं मेरे भाई बहन, उन सबको बहुत बहुत बधाइयां और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहता हूँ मेरे सभी भाई बहन इस जॉब में लग जाएं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं फ्रेंड्स टोटल फॉर्म के बारे में। दोस्तों टोटल फॉर्म फ्रेंड्स आपके 4,33,466 भरे गए थे। टोटल अटेंडेंस भाई आपकी थी 4,09,530, टोटल आपकी अटेंडेंस थी भाई, मतलब सम्मिलित जितने भी पेपर में देने गए थे भाई। अगर बात करूं फ्रेंड्स पासिंग स्टूडेंट भाई, आपके 1,46,060 आपके टोटल स्टूडेंट पास हो रखे हैं इस एग्जाम्स में, जो कि आपका भाई 69,000 शिक्षक भर्ती वाला फॉर्म है भाई इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें दोस्तों बीएड वालों की। दोस्तों बीएड वाले दोस्तों यहाँ पे पास किए गए 97,368। और फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे देखिए शिक्षा मित्रा में फ्रेंड्स आपके 8,000 पास किए गए हैं। देखिए भाई जो भी शिक्षा मित्रा में पास हुए हैं दोस्तों, उन सबका 100% सिलेक्शन है, उनको कोई रोक नहीं सकता भाई। आपकी जॉब 100% रियल में है भाई, आपको कोई हटा नहीं सकता भाई, आपकी जॉब पक्की है। ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग तक की गारंटी भाई हर कोई ले रहा है भाई, आपकी ज्वाइनिंग भाई होगी भी। ओके बात करें फ्रेंड्स बीटीसी के बारे में। दोस्तों बीटीसी में दोस्तों आपके 38,610 पास किए गए हैं। अदर आपके दोस्तों 2,064 समथिंग पास किए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं आप काउंसलिंग के बारे में, कितने फॉर्म आपके भरे गए हैं अब की बार। तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों यहाँ पे देखिए 69,000 अध्यापक भर्ती 3 से 6 जून तक जिलों में काउंसलिंग कर जारी किए जाएंगे नियुक्ति पत्र। 1.36 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। 31 मई तक आवेदन पत्रों की होगी जाँच पूरी। तो भाई यहाँ पे आपको फ्रेंड्स प्रूफ के साथ मैंने दोस्तों दिखा दिया फ्रेंड्स, आपके 1.36 लाख अभ्यर्थियों ने किया है दोस्तों आवेदन। आपकी दोस्तों पोस्ट कितनी है भाई इसमें 69,000 भाई। पास यहाँ पे दोस्तों कितने स्टूडेंट पास किए गए हैं, 1,46,060 आपके टोटल स्टूडेंट पास किए गए भाई। आप देखे चलो भाई यहाँ पे 10 लाख भाई आपके यहाँ पे कम हो चुके हैं फ्रेंड्स। जिसका भी दोस्तों नंबर भाई कम, जिनका भी गुणांक कम है भाई इस भर्ती में, उन सबके लिए दोस्तों राहत भरी खबर है। दोस्तों आपके लिए दोस्तों एकदम गुड न्यूज है भाई, 1.36 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है भाई। 31 मई तक आपकी जांच हो जाएगी, मतलब कल तक आपकी जांच पूरी हो जाएगी भाई इसमें। फिर दोस्तों आपको इसमें नियुक्ति पत्र भाई प्रोवाइड किए जाएंगे आप सबको भाई। आपका दोस्तों सेफ गुणांक क्या रह सकता है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दोस्तों सेफ गुणांक 2020 से। दोस्तों आप कितने नंबर बन रहे हैं भाई, आपका 100% सिलेक्शन इसमें हो सकता है। दोस्तों आपका कितना गुणांक बन रहा है वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। दोस्तों बात करें फ्रेंड्स जनरल के बारे में। अगर आप दोस्तों जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो भाई, अगर आपके गुणांक भाई 68 प्लस बन रहा है या फिर 68 आपका गुणांक बन रहा है भाई, आपका श्योर सिलेक्शन है। आपका दोस्तों कितना गुणांक बन रहा है आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बात करते हैं ओबीसी के बारे में। आपकी दोस्तों कास्ट ओबीसी भाई, अगर आपका गुणांक 65 प्लस बन रहा है आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्तों आपका कितना गुणांक बन रहा है आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। आगे दोस्तों बात करते हैं एससी के बारे में, जिनकी भी दोस्तों शेड्यूल कास्ट है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एससी, अगर आपके दोस्तों गुणांक 60 प्लस आपका गुणांक बन रहा है या फिर 59 भी आपका गुणांक बन रहा है, दोस्तों अगर आपकी कास्ट एससी है तो फ्रेंड्स आपका इसमें श्योर सिलेक्शन है भाई, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप एकदम सेफ हो। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों आपका कितना गुणांक बन रहा है आप प्लीज मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे दोस्तों बात करते हैं एसटी के बारे में। अगर दोस्तों आपकी कास्ट एसटी है भाई, आप भाई बिल्कुल सब पास हो भाई। अगर आपकी कास्ट एसटी है भाई, एसटी वाले भाई सब पास है इसमें, एसटी वाले भाई कोई कंपटीशन नहीं है भाई। आपकी जितनी पोस्ट है भाई, जितने भी पास किए गए हैं, आप सबको भाई जॉब मिलने वाली है इसमें। आप सबको बहुत बहुत बधाई है जितने भी एसटी में है भाई। ठीक है बात करते हैं पीएच के बारे में। देखिए भाई पीएच भाई मेरे अकॉर्डिंग भाई सब पास होने चाहिए, लेकिन भाई पीएच में बहुत सारे पास किए गए हैं स्टूडेंट है। तो भाई पीएच की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 55 प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा है इसमें, 55 गुणांक है पीएच वालों का, आपका इसमें दोस्तों सिलेक्शन श्योर है भाई, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों, पीएच वालों के लिए बता रहा हूँ। और दोस्तों आपका कितना गुणांक बन रहा है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। दोस्तों बात करते हैं एक्स रिस्कमैन के बारे में। अगर आप दोस्तों एक्स रिस्कमैन हो भाई, आप ऑल पास हो भाई, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई, आप सब पास हो। ठीक है एक्स रिस्कमैन, तो भाई आपका भाई सेफ गुणांक था दोस्तों। आपका दोस्तों कितना गुणांक बन रहा है आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर बताएगा। अगर आप दोस्तों यूपी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हो, अगर आपको दोस्तों बिल्कुल रियलिस्टिक जानकारी चाहिए, आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आगे के अपडेट के लिए।
और गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ आपको मुझसे बात पूछनी हो इस भर्ती के अकॉर्डिंग, आप मुझे कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।